हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में संगठन मंत्रियों की बैठक लेने पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि हुड्डा बीजेपी सरकार गिरने के मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें 5 साल इंतजार करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अपने संगठन को मजबूत करने की बजाय हुड्डा बेवजह की बयानबाजी में अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। वहीं प्रमोशन में आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बराला ने कहा कि सरकार की फैसले पर नजर है, मोदी सरकार में किसी भी गरीब को अधिकारों से वंचित नहीं होने दिया जाएगा। संगठन के चुनाव पर बोलते हुए बराला ने कहा कि मंडल अध्यक्षों के लिए रायशुमारी पूरी हो चुकी है, फरवरी में जिलाध्यक्षों का चुनाव पूरा हो जाएगा। जो रायशुमारी का काम था वो पूरा हो चुका है और बहुत जल्दी मंडल अध्यक्षों की घोषणा हो जाएगी और ये लगता है कि इस महीने में जिला अध्यक्षों का भी चुनाव का जो काम है वो पूरी प्रक्रिया होकर के पूरा हो जाएगा और उसके बाद जब भी हमारा नेतृत्व चाहेगा प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव वो करवा सके। साहब मुझे लगता है कि इस प्रकार के मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी है और गठबंधन की सरकार हमारी है जो पूरी तरह से मजबूत है, मजबूती के साथ और आपस में बेहतर तालमेल के साथ सरकार आगे बढ़ रही है। इस प्रकार के सपने देखने वालों को 5 साल इंतजार करना, सुप्रीम कोर्ट का एक इस प्रकार का फैसला आया था तो केंद्रीय नेतृत्व ने इस बात के ऊपर निर्णय लिया था, केंद्र की सरकार ने निर्णय लिया था और इसको जो पूर्व में चला आ रहा था उसी आधार पर जो वंचित लोग हैं उनको इस व्यवस्था का लाभ मिले ये सुनिश्चित किया था और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता